सुधीरा हाजिर है। दोस्तों, एक आम आदमी के दर्द को मैं पेश करना चाहता हूं। जी हाँ, आम आदमी जो उलझा है जिंदगी के दांव पेचों, जो सुकून की तलाश में है लेकिन उसे नहीं पता कि सुकून कहां मिलेगा। हर दिन कोशिश, हर दिन कवायद, लेकिन सुकून है कि मिलता ही नहीं। कुछ लाइंस लिखी हैं, पेश कर रहा हूं। पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, मंदिर मस्जिद मेरा पेट भरेंगी क्या, रोज रोज हो रहे रोज व्रत हो रहे, रोज रोज हो रहे रोज व्रत हो रहे, अब बिगड़ी मेरी बनेगी क्या, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, पत्थरों पे यहाँ दूध है गिर रहा, भोग छप्पन यहाँ सज रहे हैं, भूख से जान जाने लगी है, ढोल ताशे यहाँ बज रहे हैं, मौत के बाद तन को कफन चाहिए, हाँ मौत के बाद तन को कफन चाहिए, कोई चुनरी मुझे मिलेगी यहाँ, पेट में चूहे कर रहे गुदगुदी, मंदिर मस्जिद मेरा पेट भरेंगी क्या, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी। मैंने गीता पढ़ी पढ़ लिया है कुरान, मैंने यही पढ़ा कीमती हर जान, मैंने तीर्थ किए मैंने कर ली ये दान, मैंने पूजा इबादत के कर लिए काम, तन भूखा रहे हो, तन भूखा रहे मन को कैसा आराम, भक्ति मेरी मुझे अब लगेगी कहाँ, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, मंदिर मस्जिद मेरा पेट भरेंगी क्या, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, सीधा उससे कनेक्शन रखो ना, बीच में क्यों बने ये एजेंट, डॉक्टर वो एक है तुम्हारा, तुम तो हो उसके अपने ही पेशेंट, झोला छाप बन रहे हैं अब डॉक्टर, झोला छाप बन रहे हैं अब डॉक्टर, अब उनकी दवाई लगेगी कहाँ, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, मंदिर मस्जिद मेरा पेट भरेंगी क्या, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, मेरे दिल में ही दर है पावन, मेरा दिल ही इबादत खाना, ये अगर मैल से ही भरा है कैसा अल्लाह हरी को ठिकाना, पूछता ये सुधीरा सरे आम है, पूछता ये सुधीरा सरे आम है, आग दिल में लगी जो बुझेगी क्या, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, मंदिर मस्जिद मेरा पेट भरेंगी क्या, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी।
जी हाँ, पेट में कर रहे चूहे गुदगुदी, मंदिर मस्जिद मेरा पेट भरेंगे क्या? ये अच्छी बात है कि आप धार्मिक है, अच्छी बात है कि आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, लेकिन पेट की भूख को तो रोटी ही मिटा सकती है। सबसे पहले पेट में अन्न होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, क्योंकि तन में अगर कुछ होगा तो ही आदमी इबादत कर सकता है ना। तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। काया निरोगी कब रहेगी? जब अन्न भोजन पेट में जाएगा, उसके बाद आदमी इबादत कर सकता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों को, जो गरीब हैं, उनको दो तीन वक्त का खाना टाइम पर मिलना चाहिए। वेल, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।